दोस्तों मैं जिस एलईडी के बारे में आपको बताने लगा हूँ, ये बेसिकली फिलिप्स की एलईडी है। तो फिलिप्स की एलईडी में जो पैनल यूज़ किया वो सिंगल को पहला पैनल है। इसमें पहले मैं आपको फॉल्ट के बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली डबल इमेज का भी फॉल्ट रहा इसमें पहले, तो बाद में इसको डबल इमेज का फॉल्ट निकालने के बाद हमारा एक फॉल्ट आ गया फ़ोटो फ्लिकरिंग का। तो कहने का मतलब है इसमें दो तरह के फॉल्ट थे हमारे पैनल में। तो ये सिंगल कोप वाला पैनल है जो फिलिप्स की कंपनी एलईडी में यूज़ करती हैं, और कई कंपनियां इसको पहले यूज़ करती थी। बेसिकली अब तो ये पैनल बेसिकली आता नहीं है। तो पहले मैं इसकी डिटेल के बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली सिंगल कोप जो पैनल है, ये इसकी यानी डिटेल है, मतलब कहने का मतलब है जो पैनल की स्केलर बोर्ड की, जो भी मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि इसमें कभी ये स्केलर बोर्ड में आपका फॉल्ट आए तो बहुत आप इजी तरीके से आपको हैंडल कर सकते हो। तो क्योंकि इसमें एक दो तरह के फॉल्ट आते हैं, एक तो हमारा फॉल्ट आता है डबल इमेज का फॉल्ट इस पैनल में, और एक आता है फ़ोटो फ्लिकरिंग का फॉल्ट। तो कहने का मतलब है आप डबल इमेज का फॉल्ट और फ़ोटो फ्लिकरिंग का फॉल्ट बहुत ईजी निकाल सकते हो। इसकी थोड़ी एक थ्योरी है, मैं पहले ये बता देता हूँ। ये पहले यहाँ एक लेवल शिफ्टर आईसी लगा हुआ है। देखो ये पहले लेवल शिफ्टर आईसी लगा हुआ है ये, और लेवल शिफ्टर आईसी के नीचे ये दो रजिस्टेंसें लगी होती हैं, ओड और इवन की। और ये ओड और इवन की रजिस्टेंसें हमारे यहाँ दो प्रिंट बने होते हैं, LC1 और LC2। यानी कहने का मतलब है LC1 और LC2 पे सीधा ही ये वोल्टेज आते हैं ओड और इवन के। तो कहने का मतलब आपकी पहले जो सही तरीका इसका मेथड है, आप पहले इसका मेथड जो अपनाना है, आपने पहले ये दोनों रजिस्टेंसें निकाल देनी है। इस पैनल लेवल शिफ्टर IC लगा हुआ है, इसके आगे दो रजिस्टेंसें लगी हुई हैं, ये ध्यान से इसका नंबर देख लो। ये दोनों रजिस्टेंसें निकाल देनी है आपका। मैं कहने का मतलब है 98% तो फॉल्ट वैसे निकल जाता है इसमें। इसके बाद भी अगर फिर प्रॉब्लम आए, अगर दोबारा ये मतलब आपकी दोबारा रिपीट भी हो सकती है कहीं मेरी प्रॉब्लम, इसके बाद इसका दूसरा स्टेप है या HC1 और HC2। ये HC1 और HC2 दो इस पे निशान बने हुए हैं, लिखा हुआ है। तो फिर आपने करना क्या है, HC1 और HC2 ये जो बेसिकली ये दोनों प्रिंटों को हमने काटना था, यानी ये लाइंस को दोनों को काट देना। क्योंकि बेसिकली ये चार जो लाइंस हैं, बेसिकली ये CKV लाइंस हैं। CKV लाइंस में ये पहले हमने, मैं बताने लगा हूँ कि ये इधर से हमने पहले जिससे निकाल देनी है, फिर चला के देख लेना। अगर इसके बाद भी हमारी प्रॉब्लम नहीं सोल्व होती तो हमने HC1 और HC2, ये देखो ये यहाँ दो निशान बने हुए हैं, LC1 LC2, तो सीधा बेसिकली लेवल शिफ्टर IC पे आते हैं, दो रजिस्टर आती हैं। और SC1 और SC2 HC1 ये देखो HC2 लिखा हुआ और SC1, आपने बेसिकली ये प्रिंट दोनों काट देने हैं। मतलब कहने का मतलब अगर ये दो प्रिंट पहले यार ओपन करने के बाद अगर प्रॉब्लम आपकी सोल्व नहीं होती, तो उसके बाद अपने सेकंड ये SC1 और SC2 के दोनों प्रिंट अपने काट देने हैं, तो बेसिकली आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम वैसे, तो कहने का मतलब 101% इस पैनल में यही फॉल्ट निकलता है, क्योंकि काफ़ी बार मैं इस पैनल में एक्चुअली ये फॉल्ट निकाल चुका हूँ। बेसिकली इसमें बेसिकली थ्योरी होती है, ये जो वैसे वोल्टेज का इसमें एक्चुअली बेसिकली कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि ये DC टू DC IC का VGL VGH VCOM AVD DVD ये सारे वोल्टेज एक्चुअली इसमें प्रॉपर बनते हैं। पर इसमें जो फॉल्ट आता है बेसिकली CKV लाइन्स का शॉर्ट होने के कारण आता है, क्योंकि ये पैनल बहुत पुराने हैं एक्चुअली बेसिकली। तो इसमें ये एक्चुअली मैं अभी फॉल्ट आपको निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने लास्ट मंथ भी ये फॉल्ट निकाला था इसी पैन ऐसे ही पैनल में। ये देखो दोस्तों,
ये देखो दोस्तों, हमारा ये एक्चुअली ये बेसिकली फॉल्ट है, बेसिकली वो अब जो फोटो फ्लिकनिंग का फॉल्ट था बेसिकली वो निकल चुका हुआ है। कहने का मतलब है सिंगल, ये सिंगल को पैनल है, कभी आपको ये प्रॉब्लम आए तो बहुत आप इजी तरीके से बिस्क मेथड से ये देखो अब चार प्रिंट आप काट कर आप बहुत इजी तरीके से चार प्रिंट को काट कर बहुत इजी ये फॉल्ट निकाल सकते हो। देखो हमने अभी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये को हमने CKV1 LC1 और LC2 तो पहले लेवल शिफ्टर IC से ओपन किया था, और यहाँ SC1 और SC2 HC1 HC2 को हमने यहाँ से बेसिकली काट दिया हुआ है। तो हमारा ये बेसिकली फॉल्ट है वो एक्चुअली रिमूव हो चुका हुआ है, तो अभी मैंने आपको चला के भी दिखा दिया हुआ है। कहने का मतलब है ये कभी आपको प्रॉब्लम आए तो आप इस तरीके से एक्चुअली इस फॉल्ट को निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।